एनी का टाइम खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मुद्दा और आज मुद्दे की शुरुआत मैं कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। वो तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़ा कर रही हैं। वो तस्वीरें माननीय गृह राज्य मंत्री उनकी है। गृह राज्य मंत्री की भाषा, फूल टपक रहे हैं उनकी भाषा से, फूल। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया और वो सवाल उनको नागवार गुजरा। उन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं एक सवाल खड़ा करूंगा, सवाल मंत्री जी पर नहीं, जो पूरे देश की मीडिया आप खड़ा कर रही है। दरअसल वो सवाल मैं अपने पत्रकार बंधुओं से पूछूंगा और वो पत्रकार बंधु जो दिल्ली में बैठकर जो संपादक हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स चला रहे हैं, मेरा उनसे एक प्रश्न है और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा वो वीडियो भी प्ले करें जो आज माननीय मंत्री जी ने पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है? उस काम के बारे में बात करोगे क्या? हम आपके बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जाए खराब है क्या? चलो अरे फोन बंद कर दे, पूछो आप क्या सीट लग गई है? नहीं नहीं आईटी में पूछो, आईटी में लगाइए, आईटी में पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अब मेरा सवाल उनसे है, उनसे मंत्री जी से नहीं, क्योंकि मंत्री जी से तो मुझे उसी वक्त उम्मीद हो गई थी जब उन्होंने यह कहा था कि 2 मिनट में सही कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। मेरा सवाल तो वो दिल्ली में बैठे बैठे बड़े बड़े संपादकों से है, दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकारों से है। सवाल मेरा ये कि जब आपके पत्रकार ऐसे माननीय मंत्रियों जी द्वारा पीटे जाएंगे जूतों से, क्या तब आपका आत्मसम्मान जागेगा? तब आपका आत्मसम्मान जागेगा जब आपके पत्रकारों को ऐसे मंत्री जूतों से पीटेंगे? मेरा सवाल क्यों है? मेरा सवाल इसलिए है, यह लोकतंत्र है, मंत्री जी से कह रहा हूं, यह लोकतंत्र है, यह उनकी बपोती नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये उनकी बपोती इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पुत्र माननीय मंत्री जी, आपके पुत्र, उन पर आरोप है किसानों को गाड़ियों से रौंदने का। ये अहंकार किस बात का है मंत्री जी? ये जनता है, जनता, और ये जनता आपका अहंकार का इलाज 2 मिनट में कर सकती है, 2 मिनट में। जो आप कहते थे ना कि 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, ये जनता वही है, इस अहंकार का इलाज 2 मिनट में कर सकती है जनता। और ये तस्वीरें मैं क्यों दिखा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं चाहूं अपने सहयोगी जरा स्क्रीन पर लेकर आए, और मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में भी अब कुछ सवाल कौंध रहे होंगे। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं और मैं जानता हूं मैं अपने गिरेबान में झांक कर इस सवाल को उठा रहा हूं और जनता के बीच में इस सवाल को छोड़ के जा रहा हूं। सवाल मेरा यह कि हत्यारों के पैरोकार
हत्यारों के पैरोकार, सरकारी पत्रकार, अब भी इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे? जहां पे पत्रकार सवाल पूछता है तो मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी कहते हैं दिमाग खराब है बे, डैश 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 मतलब गाली। समझते क्या हो बे? गाली। निर्दोष को फंसा दिया, निर्दोष को फंसा दिया, निर्दोष मतलब एसआईटी जांच कर रही है और निर्दोष को फंसा दिया। कोर्ट साजिश का जिक्र कर रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं निर्दोष को फंसा दिया। यह भाषा एक सड़क छाप, मैं ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। एक माननीय मंत्री के लिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई ही नहीं करता, लेकिन यह भाषा एक सड़क छाप गुंडे की भाषा है, जिसमें मंत्री जी सीधे तौर पर सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़क जाते हैं। बेटे पर सवाल और पापा का खो गया आपा। लखीमपुर पर अब सरकार घिर गई तो जवाब देते नहीं बन रहा, और सोची समझी साजिश का जिक्र वही एसआईटी कर रही है जिसके ऊपर जांच का जिम्मा है। 120 बी की धारा और तहरीर में मंत्री जी का नाम, लेकिन उसके बावजूद आज तक पूछताछ नहीं, और पत्रकार सवाल पूछे तो गालियां मिलती हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पत्रकार, जब आपके पत्रकार जूतों से पीटे जाएंगे, क्या तब आपका स्वाभिमान आत्मसम्मान जागेगा? मैंने पहले भी जिस तस्वीरों को जिक्र किया और बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकारों ने कहा कि ये तो साजिश है, दुर्घटना है, अपनी जान बचाने के लिए थार जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर, मैंने तब भी कहा था ये हत्या है, हत्या। और आज भी ये वही सवाल खड़ा हो रहा है, और मेरा सवाल यही है कि क्या टैनी का टाइम खत्म हो चुका है? लखीमपुर खीरी को लेकर क्या सरकार घिर गई है? मैं सीधा रुक करूंगा अपने मेहमानों की तरफ, मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। मेरे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं, अभिषेक वाजपेयी जो कि सपा के नेता हैं। जय दीक्षित जी मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विशेषक हैं, अपनी बेबाक राय रखते हैं। मेरे साथ मनोज पंडित ज्वाइन कर चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही कुछ ही देर में मेरे साथ विनोद सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मैं विनोद पंडित जी आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? मनोज जी मेरा सवाल आपसे यह है कि बुलडोजर है ना सर, बुलडोजर आपके यहां अपराधियों पर बुलडोजर चला देते हैं, वो बुलडोजर लखीमपुर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लखीमपुर चावला जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको, और आपने जो भूमिका बनाई, जो चीजें बनाई, वो सब भी मैंने सुनी। आप ये बताइए कि जब मिनिस्टर का बेटा जेल चला गया, जुडिशियल कस्टडी में है, कोर्ट में सारा मामला पेंडिंग में है, जो विभाग है वो जांच कर रहा है, चीजें चल रही है, तो पत्रकार को मिनिस्टर से ये पूछने की आवश्यकता क्या थी? अगर थी तो कोर्ट से जवाब लेते कि भाई कोर्ट में सवाल नहीं पूछना चाहिए। नहीं, सवाल कहाँ पूछना चाहिए, सवाल कहाँ मैं मानता हूँ वो मंत्री है इसलिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। पूछना, हर चीज का एक तरीका होता है,
सिस्टम है। आप कहां रोड पे चलते हुए आदमी को कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और आप उससे ऐसा सवाल करेंगे, या सवाल करने का समय ठीक था या नहीं? पंडित जी आप ये मुझे बताइए, हथियारों का पैरोकार नहीं हूं, मामला सरकारी पत्रकारों को बताइएगा सवाल क्या होने वाला है। वो सरकारी पत्रकार जो बैठ के सवाल पूछते हैं आप लोगों से उनको सिखाइए। मेरा सवाल सीधा है, जब मेरा सवाल सीधा है चल रही है, आखिरकार मंत्री के बेटे पर आरोप क्या है? हत्या का जो आरोप है, जो चीजें चल रही है वहां पे, जो हुआ उसमें क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की? क्या मंत्री का बेटा अरेस्ट नहीं हुआ? क्या वो जेल नहीं गया? आप मुझे बताइए, अगर आपका आप भी बाप हैं, आपके भी बच्चे हैं, अगर कहीं आप खड़े हैं और कोई आदमी आपके बच्चे के लिए ऐसे बोलेगा तो आपकी भावना क्या बोलेगी? आप मुझे बताइए, क्या वो बाप नहीं है? मिनिस्टर होने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते सितंबर हैं, रिश्ते नहीं होते क्या? मैं बता रहा हूं 25 सितंबर को माननीय मंत्री जी का बयान सुना था आपने, 25 सितंबर तारीख के साथ बता रहा हूं। मंत्री जी ने कहा था कि 2 मिनट में सही कर दूंगा, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। नहीं। और आज उनका ये लेटेस्ट वीडियो, ये भाषा सुनी थी आपने? पहली बात भाषा सुनाऊं दोबारा? मंत्री जी ने पत्रकार को नहीं बोला, जो दिमाग खराब हो गया से, जो बंदा अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था उसको बोला मंत्री जी ने। पहली बात तो ये कि आप किसी बयान को तोड़ मरोड़ के छूट पेश करने का मतलब नहीं निकलता किसी बात का। रही बात दूसरी कि मानवता भी कहती है, इंसानियत भी कहती है कि किसी के बाप से, भाई मंत्री बाद में है पिता पहले, एक भावना भी होती है, एक चीजें भी होती है। आप उस पर अगर प्रहार करेंगे तो किसी के मुंह से क्या निकलेगा इसका अंदाजा भी है आपको? जी जी जी, मुझे पूरा अंदाजा है। मैंने तभी यह सवाल किया आपसे कि आप मानते हैं, कि आप भी मान रहे हैं ना, मतलब कि निर्दोष को फंसा दिया, आरोपी बना दिया। मैं नहीं, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, ये तो कानून अपना काम करेगा, कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा कि निर्दोष कौन है और सजा किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। ये ना आपका अधिकार है ना मेरा अधिकार है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है साहब। हमने तो अटल जी से यही सीखा, अटल जी को देखकर, समझकर, सुनकर अटल जी कहते थे जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, चाल चरित्र और चेहरा। मैं तभी आज पूछ रहा हूं, नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, यस और नो? नहीं, उसमें मंत्री जी का क्या लेना देना है? आप मुझे बताइए, मंत्री जी को लेना देना है? मंत्री जी का बेटे का नाम है, मंत्री जी का बेटा जेल चला गया, चीजें हो गई, मंत्री जी का तो कोई लेना देना है नहीं उसमें? मंत्री जी अपना काम ईमानदारी से ना कर रहे हैं तो बताइए आप हमें? मंत्री जी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर मंत्री जी का कोई लेना देना है, मंत्री जी का क्या लेना देना आप बताइए मुझे? मंत्री जी का नाम FIR में है? मंत्री जी उस मौके पे मौजूद थे क्या? हाँ, मैं बता रहा हूं। अगर घर के परिवार के किसी भी आदमी से कोई गलती होती है तो उसकी सजा किसको देंगे आप? परिवार के मुखिया को सजा देंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहां का न्याय है? मेरे सवाल तो सुन लीजिए, आप मुझे बताइए, कानून अपना, मैं न्याय बता रहा हूं सर, न्याय हो भी और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने कहा कि सजा क्या मंत्री जी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल है आपका, मैं आपके साथ हूं। अब मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, मैंने सवाल क्यों किया। 4 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई इस मामले पे, 4 अक्टूबर 120B तहरीर में मंत्री जी का नाम था, मंत्री जी का नाम, समझ रहे हैं आप? अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं आप आगे सुनिए। 72 दिन हो गए साहब, 72 दिन, 73वां दिन लगने वाला है, आज तक नॉट ए सिंगल डे मंत्री जी से पूछताछ हुई, एक दिन भी मंत्री जी से पूछताछ नहीं हुई। मैं गलत बोल रहा हूं क्यों? ये आपको कैसे पता मंत्री से पूछताछ नहीं हुई? क्या आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? क्या डिपार्टमेंट से आपने जवाब मांगा? क्या डिपार्टमेंट के किसी प्रवक्ता ने बताया कि आप बोलिए मंत्री जी से पूछताछ हुई नहीं हुई? आप मुझे बताइए, मंत्री जी से पूछताछ हुई क्या? मंत्री जी से पूछताछ हुई, आप बता दीजिए, कौन तय करेगा? ये मीडिया तय करेगी या डिपार्टमेंट तय करेगा या कानून तय करेगा कि पूछताछ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये आप तय करेंगे, ये आप
ये आप तय करेंगे कि आरोपी से पूछताछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आरोपी किसने बनाया? आरोपी किसी का नाम 120 बी में जोड़ने से आरोपी मैंने तो बनाया नहीं, मैं तो तहरीर की बात कर रहा हूँ। आज 72 दिन हो गए जी, मेरी बात सुनिए। मंत्री की भूमिका क्या है, इसकी जांच कौन करेगा? अगर FIR में उनका नाम 120 बी में है तो बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए। डिपार्टमेंट तय करेगा कि कब पूछताछ होगी कब नहीं होगी। जो धाराएं आज बढ़ाई गई उन धाराओं को अगर डिपार्टमेंट निष्पक्ष जांच ना कर रहा होता अभी तक तो धाराएं कैसे बढ़ाई जाती? अच्छा मैं अभिषेक वाजपेयी जी के पास जाऊं। लेकिन जो आपने भाषा सुनी, आपको अच्छी लगी वो भाषा जो मंत्री जी, सम्मानित मंत्री जी इस्तेमाल कर रहे थे? मनोज पंडित जी, आपको भाषा अच्छी लगी वो जो मंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं भाषा का समर्थन नहीं करता तिलक जी। मैं भाषा का समर्थन नहीं करता कि भाषा अच्छी थी या नहीं थी। भाषा का संदर्भ क्या था मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाषा का संदर्भ क्या था। भाषा का समर्थन मैं नहीं करता कि भाषा ठीक थी या गलत थी उनकी। अच्छा, भाषा का समर्थन नहीं करते आप। अभिषेक वाजपेयी जी, जी सुना आपने वो कह रहे हैं कि क्या मंत्री जी पर आरोप है कोई? मंत्री जी ने जो कहा वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसके भाव को समझिए। देखिए, अभी तक तो कहा जाता था पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मतलब जो कलम की ताकत होती है ना वो तलवार से ज्यादा होती है, अभी तक ये कहा जाता था। लेकिन अब इसके प्रारूप बदल दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आप इसके पहले भी, ये तो अभी ताजा घटना हुई है जब SIT ने एक रिपोर्ट में बाकायदा टेनी जी के सुपुत्र का नाम उस पे नाम सामने आ रहा है कि सूची सब्जी साजिशों के तहत ये काम हुआ है और उसमें कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं। लेकिन आपको एक घटना और याद दिला दूं कि आपको लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम पड़ता है, वहां पे एक पत्रकार ने इसी तरीके से एक घटना उजागर की थी और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आई, उस पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। ये भी अभी लेटेस्ट की घटना है। तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र क्या कहना चाहेंगे? और उत्तर प्रदेश आज की देश में, उत्तर प्रदेश अभिषेक वाजपेयी पहला ऐसा राज्य हो गया जहां पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, अपनी बात नहीं कह सकते। वाजपेयी जी, सरकार तो आपकी भी थी, आपके मंत्रियों पर भी माफिया होने के आरोप लगे। मैं गलत बोल रहा हूं या बोलूं, नाम बताऊं? नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है और ये टॉपिक अलग बात है, दोनों में अंतर है। हमने किसी पे गाड़ी नहीं चलवा दी, हमने किसी पे सोची समझी साजिश नहीं रची है, हमने मंच साझा नहीं किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बैठ करके मंच साझा करते उनके पिता के साथ और कोई कार्रवाई नहीं करते, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हम सिर्फ इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार, और आज हम इस तरीके से बैठ करके हम उनको सेव करने की बात कर रहे हैं। मनोज पंडित जी, नहीं, अब अलग कैसे हो गया मामला तिलक जी? आप मुझे बताइए, जब इनकी सरकार थी तो सब ठीक हो गया था, अब हमारी सरकार है सब गलत हो गया? श्रीमान जी, आपने सोची समझी साजिश रच करके किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा दी और उसके बाद आप इस तरीके से बड़ी निर्लज्जता से इस तरीके से बातें आप कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बोलते हुए। आप लोग वही हैं जिसके दोनों चरित्र होते हैं, आप लोग वो है जिसके दोनों चरित्र होते हैं। किसानों के लिए हम मंत्री दिखाते हैं, उनके ऊपर गाड़ी चलवाते हैं, जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं और अपने सरकार के मंत्रियों को बचाते हैं। इसी तरीके से आपने शिक्षा मंत्री को भी बचाने की कैसे वो बचे रह गए? अभिषेक जी प्लीज एक सेकेंड। विनोद सिंह जी, मैंने ये कहा, विनोद जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मैंने ये कहा, मैंने अपने साथियों से सवाल पूछा, मैंने इस वीडियो को देखने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया और मैंने अपने पत्रकार साथियों से सवाल पूछा, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं कोट पैंट टाई डाल के, जो सरकार से कहते हैं जी हम आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल पूछ लूं सरकारी पत्रकार जिन्हें मैं कहता हूं,
मैंने कहा कि जो वो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार हैं, जब हमारे साथियों को जूतों से पीटा जाएगा तब शायद हमारा आत्मसम्मान जागेगा, तब हमारा आत्मसम्मान जागेगा। खैर वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मंत्री जी की भाषा आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि अब मंत्री जी जो हैं वो बीजेपी की गले की फांस बन गए, ना उगलते बन रहे ना निगलते? विनोद सिंह जी, देखिए तिलक जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, इस मुद्दे को विस्तृत चर्चा के माध्यम से जनता के बीच लाए और भारतीय जनता पार्टी की सोच, गुंडई वाली सोच, दबंगई वाली भाषा, जो इनकी संस्कृति है धमकाने डराने हत्या करने कराने वाले, इसको सामने लाए। इसके लिए बहुत निर्भीकता की आवश्यकता होती, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने अपने साहसी व्यक्तित्व पे ये चर्चा करा के एक और कदम आगे बढ़े, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, सारे जिम्मेदार, निराशा है मुझे लेकिन दुख होता है, सारे जिम्मेदार बड़े चैनल इस चर्चा को इतने बड़े गंभीर मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए कहीं इधर उधर की बात कर रहे हैं। खैर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वयं घोषित पार्टी की सरकार है, जिसमें पात्रता की इतना अकाल है, जिसके पास कोई एक अच्छे कैरेक्टर का सुविचार रखने वाला, अच्छी संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति नहीं है, जिसको गृह राज्य मंत्री जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया जाए और बारंबार उनकी गलती को, हमारे अन्नदाताओं की हत्या कराने की बात हो, उस पर पटाक्षेप करने की बात हो, किसानों के न्याय के लिए आवाज देने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संघर्षरत हो, उसको कब्जाने की, डराने की, नजरबंद करने की बात हो, सारे षड्यंत्र करेगी, लेकिन अपने अपने नेताओं का बड़े बेशर्मी से, बड़े बेबाकी से बचाव करेगी किसी भी कीमत पर। कुछ ईमानदारी बची है, कांग्रेस पार्टी का दबाव था, किसानों का दबाव था, किसानों का त्याग तपस्या बलिदान काम आया, जो आज अंजाम पर पहुंची, लेकिन उसमें अपराध बोध नहीं है। किस प्रकार का एटीट्यूड दिया, वो अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हुए, अच्छा आपका दबाव था, आपका दबाव, उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, विनोद सिंह, लेकिन विनोद सिंह डराने का काम किया, कांग्रेस का दबाव था, कांग्रेस का दबाव था। एक सेकंड, मैं जय जी के पास जाऊं, गुंडई कर रहा है, अब सुनिए ना विनोद जी, एक सेकंड, इनको कोई नियम कायदा कानून संविधान का कोई लेना देना, विनोद जी, विनोद जी, आपने कहा राहुल गांधी का दबाव था, कांग्रेस का दबाव था, ओके एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उस पर एतराज नहीं जता रहा, लेकिन मैं आपके पुराने सहयोगी अभिषेक वाजपेयी जी से पूछ लूं, आपने ये बात कही, ये दावा किया कि कांग्रेस का दबाव था, अभिषेक जी मुस्कुरा रहे थे, अभिषेक जी आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, मैं जान सकता हूं? देखिए, तीन में ना तेरह में और सारी बातें कह देते हैं, अगर वो उनको ऐसा लगता है तो वो उनको मुबारक हो, उनका ऐसा मानना है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा याद दिला दूं कि 19 जून 2020 को उन्नाव में दिन दहाड़े तीन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको नहीं लगता क्या लखीमपुर आप गए क्या, प्रियंका गांधी गई कि नहीं? नहीं, सारा काम इन्होंने किया है, बाकी किसान भाइयों ने कुछ नहीं किया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, इनको ऐसा ही लगता है, तो इनको ये भ्रम होना चाहिए और रहे 2022 तक तो एटलीस्ट रहना चाहिए, और प्रभु करे कि 2024 तक ऐसा भ्रम इनको रहे। सपने देखना अच्छी बात होती है, विनोद सिंह जवाब दे दीजिए, फिर मैं जय जी आपके पास, एक अलग बात होती है। विनोद जी, कोरोना संघर्ष में आप देशवासियों के साथ नहीं रहे, उत्तर प्रदेश वासियों की आपने उपेक्षा की, जो सवाल आप पर बनते थे वो नहीं किए, आप कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन आप कम से कम संकट की इस घड़ी में पत्रकारों के साथ, किसानों के साथ सैद्धांतिक रूप से तो रहिए। आपको आपत्ति आप भारतीय जनता पार्टी के इतना दबाव में मजबूर है, विवश बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है दबाव में आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आप लोग हैं, तभी इस तरीके से बातें कर रहे हैं, बैठ करके सत्ता में भारतीय जनता सत्ता के लिए काम मत कीजिए, बी टीम बन करके भारतीय जनता पार्टी की आप काम मत कीजिए, लोगों के साथ खड़ी है, आप बड़ी समस्या है आपकी। अरे देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, कुशासन से आर पार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और देश साक्षी है, आपके दर्शक जानते हैं,
हमने तो देखा पूरा देश जो है वो एसी कमरों से चला है साहब, अब छोड़िए उस बात को। जय दीक्षित जी, और महिलाओं की आप बात करते हैं, लखीमपुर साजिश के, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी प्लीज, एक सेकंड। जय दीक्षित जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि अब तो एसआईटी कह रही है ना कि ये सोची समझी साजिश थी, मंत्री जी कह रहे हैं निर्दोष को फंसा दिया, पुलिस कहती रही कि मंत्री जी अपने बेटे को भेजिए उनसे पूछताछ करनी है, नाटकीय अंदाज से मंत्री जी के बेटे गए और जब उनकी मर्जी थी वो तब गए, लेकिन ये कह रहे कि कार्रवाई हो रही है, 72 दिन के बाद आज तक मंत्री जी से पूछताछ नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष पूछताछ हो रही है, निष्पक्ष दिशा में जांच हो रही है। अब मंत्री जी क्या फंस गए या मंत्री जी के चक्कर में बीजेपी फंस गई? जय जी, मेरी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नहीं अनम्यूट है, हेलो जी, अपनी बात रखिए, अनम्यूट करके प्लीज। हेलो अनम्यूट कर लीजिए जय जी। नहीं अनम्यूट है, हेलो मेरी आवाज आ रही है तिलक जय जी? आपने अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज, आपका कॉलिंग नंबर दूसरे से बाइंड है। धन्यवाद तिलक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने जी सभी मित्रों को मैंने सुना। आज जिस तरीके से भारत के गृह राज्य मंत्री जो एक बार विधायक और दो बार से सांसद भी है, 61 वर्ष के होने के बावजूद जब उनसे कोई व्यक्तिगत और उनके बेटे के लिए सवाल पूछे, तो इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं उन्हें एक संशय के घेरे में खड़ा करता है, कहीं ना कहीं संस्कार विहीनता का एक संदेश उन्होंने दिया है। देखिए, लखीमपुर खीरी कांड में उनके बेटे का नाम आशीष का नाम है और कहीं ना कहीं वो एक जांच, एसआईटी उसका जांच कर रही है, तो उस पे मुझे और आपको प्रश्न चिन्ह उठाना तो नहीं बनता है क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन अगर एक पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कुछ जानना चाहता है और देश के गृह राज्य मंत्री से सवाल पूछ रहा है, तो इस तरीके की भाषा और इस तरीके से अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी के चूंकि सांसद हैं और मंत्री भी हैं तो सवाल तो बनता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आज के डेट में कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर है। विपक्ष किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को सिर्फ भुनाने में लगा हुआ, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे लखीमपुर खीरी आंदोलन हो, हर आदमी अपना क्रेडिट लेने के पीछे लगा हुआ, जिसपे हमें विचार करने की जरूरत है। और अजय मिश्रा जी के ऊपर आज तक एसआईटी ने जांच के लिए बुलाया नहीं बुलाया, ये तो उनका विषय है क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हाईलाइटेड मैटर था लखीमपुर खीरी को लेकर, और इसकी जांच जल्द से जल्द होना आम जनमानस के लिए अपेक्षित था ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और दोषी को सजा मिले। अगर ये नहीं हुआ है, नैतिकता है, तो कहीं ना कहीं नैतिकता के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है जी, नैतिकता के ऊपर सवाल उठता है। विनोद सिंह जी, आपने सुना, कुछ कहना चाह रहे? फिर मनोज पंडित जी आपके पास आ रहा हूं, वो सवाल लेकर जो पूछे नहीं जाते मैं जानता हूं, मैंने शुरू में कहा ना वो हत्यारों के पैरोकार सरकारी पत्रकार, उनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूं। मैं आपसे पूछूंगा पंडित जी, क्योंकि ये कलम है ना गुलाम नहीं है, इस कलम ने कभी गुलामी नहीं की, मैं अभी पूछूंगा वो सवाल आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूं जो बात जय जी ने कही, विनोद सिंह जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं, पहले जवाब दे दीजिए फिर उसके बाद आ रहा हूं मैं।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने सवाल और विचार रखा। सवाल ये है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा आचरण करेगा जो पूरी तरीके से आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है, असभ्य है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वो हम किसी एक आम व्यक्ति से भी ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर, इनके पात्रता का क्या आधार है, ये पुनर्विचार में तो ये विश्वास करते नहीं है, करेंगे नहीं, लेकिन ये इनकी नीति बताती है कि ये गुंडई दबंगई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही प्रमोट करते हैं और देशवासियों के साथ, लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ के साथ बुलडोज करने की इनकी जो नियत है वो आज एक बार फिर एक्सपोज हो चुकी है। वो कह रहे हैं आप लोग क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानते हैं आप क्रेडिट? आप ये बताइए, देश को इस असुरक्षित वातावरण में, अनिश्चितता के वातावरण में किसानों के साथ ना खड़ा हुआ जाए, ये नैतिकता का सवाल है, ये राजनीतिक प्रतिबद्धता का सवाल है। जी, जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। पर अन्याय होता देख पाए, देखेगी, और इनके मंत्री जी हैं इसलिए गुंडई करेंगे, गोली मारेंगे, गाड़ी चढ़ाएंगे, पत्रकारों को गाली देंगे, तो हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी ये दबाव की राजनीति करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जो देखिए विनोद जी, समस्या में काश कुर्बानी 1984 में भी दी होती, किसानों की बात करेगी, काश 1984 में भी यही कुर्बानियां दी होती, इनके संवैधानिक कुर्बानियां ली ना होती के लिए बार बार सवाल करेगी। छोड़िए नैतिकता का तकाजा, छोड़िए अब उस बात को, भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लेकर, फिर जगदीश टाइटलर तक जाएगी और सज्जन कुमार तक जाएगी। जय जी, भारतीय जनता पार्टी ने 384 दिन जो आंदोलन चला उस मुद्दे को तो अपने आप ही खत्म कर लिया है, उसने भारतीय जनता पार्टी भी यू टर्न ले ली है और इन्होंने तीनों कानून जो वापस लेने थे वापस ले लिए, उन्होंने विधेयक भी पेश कर दिया, आज देखें यूपी गेट से लेके हरियाणा गेट सारे खाली हो गए, तो इसमें क्रेडिट की बात तो किसानों की जाएगी, त्याग तो किसानों ने किया। जी बिल्कुल, और किसानों बिल्कुल। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जमे रहे, अब उसमें पार्टियों का क्या रोल है? नहीं, उसका क्रेडिट आप लोगों ने तो सिर्फ उसको भुनाने की कोशिश की, उसका क्रेडिट भी हम ही ले लें। आपके पास मैटर कहाँ है, मुद्दा कहाँ है, कि आपके पास कांग्रेस हो या सपा हो, मुद्दा कहाँ है, मुद्दा भी ही नहीं। आप बताता जब तक किसान बैठा रहा और किसान वापस नहीं लिया गया तब तक आप लोगों के लिए वो किसान का मुद्दा था, अब तो मुद्दा ही खत्म है भाई, तीनों काने कालूल वापस कर लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें क्रेडिट वार कैसा? नहीं नहीं जय जी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार किसानों को न्याय दिलाना बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं समर्थन करता हूँ, हत्या हो जाती है बहुत बड़ा मुद्दा है, खालिस्तानी पटरी समर्थन करता हूँ, आप आवाज तो उठाइए, अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बात है भारतीय जनता पार्टी ने कई बार पूरा नहीं कर पाई, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए महंगाई पे आप लोगों ने क्या किया, सिंचाई फंड से देने के लिए बहुत आज तक देना पाई, हर घर नल योजना भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के लिए लॉन्च किया था, अभी तक उसको जमीन पर उतारना पाई, बहुत सारे मुद्दे हैं जय जी, जो की समाजवादी पार्टी उठाते हुए लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा मुद्दा कमजोर विपक्ष है, विपक्ष आवाज नहीं उठाना चाहता, महंगाई का सबसे बड़ा कारण विपक्ष का कमजोर होना है। देखिए आज अगर यहाँ पे बेरोजगारी फैल रही है तो आप लोगों ने क्या किया, कितने घंटे चर्चा हुई विधानसभा और लोकसभा में, मनोज पंडित सही नहीं हुए, विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठा के रखा, जीरो आवर में सवाल नहीं उठाया। जी कहां, हमारे देश में तो राष्ट्रवाद और वो क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे देश में तो मुद्दा कंगना है, कंगना का छज्जा है और कंगना की बयान है हमारे देश में चर्चा का विषय। एक सेकंड अब मैं उस पर आ रहा हूँ, एक सेकंड मुद्दे पे विनोद जी एक सेकंड और जुमले की राजनीति का पर्दाफाश हो जाएगा। मनोज पंडित जी, आज आपके माध्यम से कहते हैं मनोज पंडित जी जहाँ कहे वहाँ चर्चा करने के लिए तैयार है, यही तो चिंता है। मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी प्लीज, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मनोज मनोज पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे, चलिए आपने नहीं बताया कि वो बुलडोजर कहाँ चला गया जो आरोपियों के घर को आप लोग चलाते हैं ना सर, बहुत अच्छी मुहिम है, मैं उसका खुलकर समर्थन करता हूँ, वो बुलडोजर आजकल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक सवाल मेरा और था,
क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 10 टॉप 10 माफिया डॉन का जिक्र और फिक्र और एक फहरिस्त तैयार करके उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के सामने रखे कि ये 10 टॉप 10 माफिया हैं, डॉन हैं? तिलक जी, आशीष कोई पेशेवर अपराधी तो है नहीं। आशीष जी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति अपराध करके तो जमा नहीं की, अगर बिल्डोजर चलाने की बात आप कर रहे हैं तो। रही बात 10 टॉप 10 की, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के, पूछ रहा हूं सर, मैंने तो कहा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, मैं तो आपकी सोच की बात कर रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कोई सरकार ऐसी नहीं बनी कि जिसने इतनी कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की हो। 10 टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इतनी लंबी लिस्ट आपको गिना दूंगा कि जिस संपत्ति को अपराध के रास्ते से बनाया गया था उसमें उस अपराधी की आर्थिक कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। आशीष जी के पिता गृह राज्य मंत्री, क्या उनकी भूमिका की जांच इस पूरे प्रकरण में होनी चाहिए या फिर नहीं? कानून अगर ये जरूरत समझेगा तो बिल्कुल जांच करेगा। कानून अगर जरूरत समझे तो जांच करे, किसने रोका है जांच करने से? आप मुझे बताइए, जिन धाराओं को 33 के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद बदला गया, अगर आप बताइए रोका गया, नहीं रोका गया? अधिकारियों को पूछताछ नहीं हुई, अधिकारियों को निष्पक्ष काम करने का आदेश है और वो काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और रही बात, देखिए नाराज मत होइएगा सर मनोज जी, लेकिन मेरी फितरत है सर सवाल पूछने की, मैं पूछ लेता हूँ। मेरे को एक तस्वीरें जहन में याद आ रही हैं, अभिषेक वाजपेयी जी, विनोद सिंह जी और जय दीक्षित जी, हो सकता है मेरा सवाल गलत हो, आप लोग करेक्ट भी कर दीजिएगा। मुझे वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब देश के भीतर गंगा में डुबकी लगाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 55 कैमरों ने कैद किया, 55 कैमरों ने फीड किया उनको और कैमरे में कैप्चर किया। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम गंगा जी से ही पूछ लेते, गंगा जी के प्रति सबकी आस्था है, कि वो जो जीप थी, थार जीप थी वो अजय मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड थी या नहीं? थार जीप, मनोज पंडित जी, गंगा जी से पूछ लीजिए। तिलक जी, अगर था, अगर उनकी अरेस्टिंग हुई या उन्होंने सरेंडर किया तो शायद कोई ना कोई तथ्य तो था ना उस विभाग के पास, उन अधिकारियों के पास। अगर उन्होंने अगर जेल भेजा तो किसी तथ्य के आधार पर जेल भेजा ना, हवा में तो उठा के कोई किसी को जेल भेज नहीं सकता। आप मुझे बताइए, क्या गंगा जी से हम एक और सवाल पूछ सकते हैं? गंगा जी में डुबकी लगाते हुए एक और सवाल पूछ सकते हैं? वो ये सवाल हो सकता है कि गंगा जी बताएं कि माँ गंगा आप बताइए कि तमाम अखबारों में छपा कि आशीष मिश्रा और अंकित दास की बंदूक से गोली चली। तिलक जी, ये तो सारे न्यूज चैनल्स भी ये कह रहे थे कि आशीष मिश्रा देश छोड़ के जा चुका, आशीष मिश्रा देश छोड़ के जा चुका, नेपाल चला गया, वहां चला गया। आपके सारे चैनल्स ये खबर चला रहे थे, नहीं चला रहे? की जांच में क्या आया? ये खबर चल रही थी सारे चैनल्स में, नहीं चल रही थी? पर लेकिन जब आप बताइए एसआईटी के सामने क्या खबर चलाई, इसकी जिम्मेदारी जवाब दिया, तब आशीष मिश्रा नेपाल से कैसे आ गए? उन लोगों ने खबर चलाई थी, ये उन लोगों ने खबर चलाई थी। मैंने आपसे पूछा एसआईटी की जांच में क्या आया, सलूकी करने के लिए उनको कोई चिंता नहीं थी, उन लोगों ने खबर चलाई थी, ये बात कहिए। और अभी आप अपराधियों की बात कर रहे थे, 114 विधायक आपके आपराधिक मामले। अभिषेक वाजपेयी प्लीज, एक सेकंड मनोज पंडित जी, एसआईटी की जांच में क्या आया? एसआईटी कह रही है कि यह साजिश थी। अब जांच में जो उन्होंने धाराएं बदली हैं, धाराओं में जो बदलाव किए गए हैं, वो तो जांच के आधार पर बदलाव किए गए हैं ना उन्होंने। हाँ, अब मेरा एक प्रश्न थोड़ा हटके है विनोद जी और जय जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि जब इतना बड़ा प्रकरण हुआ, हमारे किसानों को कुचल दिया गया और उसकी भी मैं भर्त्सना करता हूं, जहां पर बीजेपी नेताओं की हत्या की गई, कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, एक पत्रकार की भी हत्या हुई, हत्या को जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता,
मैं डे वन से कह रहा हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब पूरे देश की नजर इस पूरे प्रकरण पर थी, इस पूरे प्रकरण पर थी और पूरा देश जानना चाहता था कि हकीकत क्या है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यह जानने की कोशिश की होगी कि उनके मंत्री ने ऐसा किया या नहीं किया। मनोज पंडित जी, और क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा तो मंत्री जी ने क्या कहा? देखो तिलक जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जानने की कोशिश की होगी, इनको बुलाया भी गया, गृह मंत्री जी ने बात भी की और आज फिर दिल्ली बुलाया गया है, फिर उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी पार्टी स्तर पे, पार्टी के स्तर पे। अब कायदे कानून के हिसाब से विभाग क्या कार्रवाई करना चाहता है, विभाग फ्री है कुछ भी करने के लिए, किसी दबाव में तो है नहीं विभाग कि कार्रवाई होनी है। विनोद सिंह जवाब दीजिए, विनोद सिंह आपने हाथ उठाया, ओके ओके ओके, फिर मैं जय जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए तिलक जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, बड़ा सामान्य सा सवाल है, मनोज जी काबिल प्रवक्ता हैं, पूरे तर्क अपने तर्कस से निकाल रहे हैं, लेकिन आज सब फेल हो जा रहा है। और आज कम से कम पत्रकार की जो भावनाओं को, पत्रकार बंधुओं को जो ठेस लगी है, कम से कम इनको भी थोड़ा संवेदना बरतनी चाहिए। और जो हमारा चौथा स्तंभ है, इनकी पार्टी तो गंभीर नहीं है उनके अधिकारों, उनके सवालों के प्रति, लेकिन मैं मनोज जी से ये अपेक्षा कर सकता हूँ, ये कम से कम थोड़ा सीरियस उस चीज को लें और थोड़ी सेंसिटिविटी बरतें, एक चीज। दूसरी चीज, ये बिल्कुल देखिए किस प्रकार की बात और मखौल उड़ाने की बात हो रही, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। अगर कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक ये सवाल, सैद्धांतिक सवाल ना उठाया होता तो आज स्वरूप कुछ दूसरा होता। आप कहेंगे राजनीति का अवसर, राजनीति के अवसर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, किस बल की वजह से, किस आश्वासन की वजह से वो इतने निर्भीक तरीके से घूम रहे थे और ये फैब्रिकेशन चल रहा था, ये मैनिपुलेशन चल रहा था, ये क्लीन चिट देने की बात हो रही थी, दोनों जगह इनकी जिम्मेदारी होती है। अगर मामला सार्वजनिक नहीं होता, आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार अगर उसको चर्चा के माध्यम से लाए ना होते और कांग्रेस पार्टी किसान सब मिलके देश में एक अगर राष्ट्रीय बहस के ना बनती तो ये फिर खेल कर गए होते। तो ये इनकी, मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, फिर जय जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, फिर अभिषेक जी आपके पास। तिलक जी, 1984 का दंगा देश आज तक भूल नहीं पाया, 1984 का दंगा देश आज तक भूल नहीं पाया, आज भी वो यादें पूरे देश में लोगों के दिमाग में अभी भी जिंदा हैं, भूले नहीं है उनको, ठीक है? आप तो ये बात ना ही बोले तो अच्छा है विनोद जी, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ लें, आप पार्टी को खड़ा कर लें, वही बहुत है आपके लिए, कम से कम ऐसी बात तो ना करें। आप किसानों के साथ खड़े थे, आज चीजें खड़े थे, आज किसानों ने 10 बार बयान दिया कि हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं और लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे। आप तिलक जी जैसे पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं इनडायरेक्ट, कि हमें कोई परवाह नहीं है पत्रकारों के सवाल की, हम गुंडाई करते रहेंगे, हम मनबढ़ाई करते रहेंगे, हम दबंगई करते रहेंगे, क्योंकि हम सत्ता में, हम बहुमत में कुछ भी करेंगे। विनोद जी, हर आदमी का संविधान में अधिकार है, चाहे वो पत्रकार है चाहे वो आम इंसान है, हर के पास अधिकार है। अगर कोई भी आदमी अपने, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तिलक जी हो। चाहे तिलक जी, बात आई साक, चाहे इन्होंने कहा दिल्ली में उन्होंने मिला, स्पष्ट दिया, इसका मतलब उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया गया, तो ये देखिए कितनी बड़ी साजिश है। तो ये आप तय करेंगे क्या, ये आप तय करेंगे या पार्टी तय करेगी कि स्पष्टीकरण संतोषजनक था या नहीं था, ये कौन तय करेगा? के लिए मजाक है। ये हम तय करेंगे, आप तय करेंगे, बताइए आप मुझे। अब हम ये तय करेंगे, ये आप तय करेंगे कि किसको मिनिस्टर बनाए और किसको ना बनाए, ये कांग्रेस तय करेगी कि बीजेपी में मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। विनोद जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, विनोद जी एक सेकंड, मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। जय जी, एक सेकंड सर, कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं आप, कैसी नैतिकता, कैसी नैतिकता, एक सेकंड, जय जी, हाँ जी, कैसी नैतिकता,
मैं कह रहा हूं कैसी नैतिकता, पत्रकारों को धमकाने का काम करेंगे, कौन सी नैतिकता, मारने का काम करेंगे, जांच की रिपोर्ट को प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि विनोद सिंह फिर मैं सवाल पूछ लूंगा दिक्कत हो जाएगी आपको, मैं फिर सवाल पूछ लूंगा 1984 में कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया था, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, महिलाओं की बात करेगी, इनको जो समझना है विनोद जी, आपके जी आपके नहीं, राज में तो वो काम हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आप इतिहास को भूल गए क्या, आपको इतिहास याद नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, इतिहास भी याद है, वर्तमान भी याद है, भविष्य भी देख रहे हैं, हमारी सरकार में गनीमत है कि अगर मिनिस्टर का बेटा 1984 अगर शामिल पाया गया तो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ, सरकार ने पक्षपात नहीं किया। एक सेकंड पंडित जी, पंडित जी प्लीज कुछ गंभीर हो जाइए मनोज जी, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड, जय दीक्षित जी, कम से कम मुद्दों पर तो राजनीति, एक सेकंड, एक अच्छे व्यक्ति आप भी है विनोद जी, एक सेकंड, मेरी यही अपील है आपसे, एक सेकंड, जय जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, एसआईटी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक चश्मदीदों के 164 में बयान नहीं दर्ज किए जो आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई में न्याय हो रहा है और न्याय होता हुआ दिख रहा है? इस पे टिप्पणी तिलक जी करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जांच प्रक्रिया एसआईटी के हाथ में है और केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होना लाजमी है, बट चूंकि जांच प्रक्रिया में है तो इस पे टिप्पणी करना थोड़ा सा उचित नहीं लगता है मुझे इस टाइम पे। लेकिन जिस तरीके से आज अजय मिश्रा जी ने अपनी गरिमा भारत सरकार के राज्य मंत्री के पद की कम से कम गरिमा मेंटेन करनी थी, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक सम्मानित पत्रकार के साथ किस तरीके से बात करनी है और अपनी शब्दों को संयमित तरीके से उनके सामने रखना था, वो शायद वहां पे उन्होंने अपना आपा खो दिया, जो ठीक नहीं है, जो एक गलत मैसेज है खासकर भारतीय जनता पार्टी के। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, विनोद सिंह जी की बात मैं सुन रहा था, एक बात कही विनोद सिंह जी, देश ने 1984 तो झेला ही झेला, आपातकाल भी झेला है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दूध की झुली है, और समाजवादी पार्टी के राज्य में हमने देखे हैं किस तरीके से उन्नाव कांड हुए और जिस तरीके से दंगे हुए मुजफ्फरनगर, तो हमने वो भी देखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, हम सबको अपने अपने गिरिबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि हम आज विपक्ष में है तो हर चीज रखने में हमें अच्छा लगता है, हम स्वच्छंद है बोलने के लिए, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं अपने गिरिबान में भी देखने को भी, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर हम पुराने, अभिषेक वाजपेयी प्लीज जल्दी से, फिर मैं उसके बाद पंडित जी आपके पास, हमें सबक लेना चाहिए, हमें आगे अपने भविष्य को सुधारना पड़ेगा, बिल्कुल, आप हमेशा पीछे को देख करके नहीं कह सकते हैं। नंबर एक, 1984 के दंगे में किसी व्यक्ति ने कहा था कि जब बड़ा खंभा गिरता है तो छोटे छोटे पौधे उसके अंदर दब जाते हैं, बहुत बड़ी बात थी और देश के लिए एक बहुत बड़ा कालचक्र था वो, जिसपे कांग्रेस को भी विचार करने चाहिए थे, तो लेकिन ऐसा नहीं है, केवल उंगली उठाने के साथ साथ तीन उंगलियां हमारी तरफ भी उठती है, उसपे भी हमें विचार करने को लेकर के आगे चल पाएंगे। और जैसा कि अभी हमारे मित्र अभिषेक वाजपेयी तिलक जी मैं आपकी एक बात पे भी आ जाऊं, एक सेकंड, अगर अभी तक एसआईटी के में 164 में बयान नहीं दर्ज हुए हैं देश के गृह राज्य मंत्री जी और उनके बेटे का, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी नहीं है और इस पे गंभीर होने की जरूरत है, चाहे वो प्रशासन हो या फिर नहीं, चश्मदीदों का कहा जा रहा है, चश्मदीदों के 164 में बयान नहीं दर्ज हुए, वो तकनीकी विषय है, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, अभिषेक वाजपेयी जी, मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है, मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति सालों साल जेल से इसलिए उसको जमानत नहीं मिलती कि वो बाहर निकलेगा तो जांच को प्रभावित कर देगा, समझ रहे मेरी बात आप, इसलिए जमानत नहीं मिलती कि वो बाहर निकलेगा तो जांच को प्रभावित कर देगा, और वैसे भी आरोप और आरोपी पुत्र जो है वो सीधे तौर पर गृह राज्य मंत्री के बेटे, ऐसे में मंत्री जी के साथ इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ ना होना, क्या जांच प्रभावित हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, प्रश्न यहां पर ये भी खड़ा है। अभिषेक, जांच प्रभावित की जाएगी, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को कितना इन लोगों ने बचाने की कोशिश की थी और साथ में चिन्मयानंद जी को भी बचाने की कोशिश की थी, तो ये कहीं छुपा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल जांच प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद
ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बुलावा भेजा है, वहां पे दिल्ली गए हैं। अरे सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी है, तो सुचिन्ह उठेगा ही। और साथ में ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जांच को प्रभावित किया ही किया जाएगा, उससे उस पहलुओं को देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट से उनको बचाया जा सकता है। लेकिन हम बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं कि बचने नहीं देंगे। मनोज पंडित जी, तिलक जी किस मैं देख रहा था और देश को याद भी रखना चाहिए। अभिषेक जी, किसी भी पार्टी के अभिषेक जी, मैं आपकी बात करना चाहता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिम्मेदारी के साथ, बेबाकी के साथ सभी की राय रखी हुई है। ये मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी और जितने पदस्थ लोग हैं वो उसका साथ छोड़ के किनारे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों की तरह साथ समर्थन में तो खड़े नहीं होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन गायत्री प्रजापति को याद दिलाते हैं। ये तो सूप बोले गायत्री प्रजापति ने एक सेकंड ठीक है। आज के विषय पर आ रहा हूँ मैं। जो जो कुलदीप सिंह सेंगर अभिषेक जी नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अरे भाई कुलदीप सिंह सेंगर है कहाँ? एक सेकंड बताएं आपको कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ पर है? जनता पार्टी ने किनारे कर दिया, कानून ने अपने काम किया नहीं किया, मुझे बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने कहा, आजम खां को कहा, कानून ने अपना काम ईमानदारी से किया हुआ है, वरना आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। उनकी जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी तक को टिकट देने की बात कही थी। आजम खां साहब आपको पता है, आजम खां साहब ने क्या कहा डिप्टी स्पीकर से, ज्योति के घर जलाया था कि मैं आपकी आंख से आंख मिला के बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी आंख से आंख मिला के बात करना चाहता हूँ। ये बयान भूल गए क्या आप? ये देश की संसद में बोला आजम खां ने और अखिलेश जी ने समर्थन किया उस बात का। 114 विधायक जो अखिलेश यादव ने समर्थन किया था उस बात का, क्या कह रहे हैं आप? विनोद जी बताएं आपको। अभिषेक वाजपेयी प्लीज एक सेकंड, आपको बताइए खाली बिल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। मनोज जी कैसे हटा सकते हैं? अभिषेक जी एक सेकंड, मनोज जी मेरा सवाल ये है आपसे, आपने कहा आपको याद है वो बयान जो आजम खान ने दिया, याद होना चाहिए देश को, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बयान का मैं जिक्र और कर लेता हूं, आपको वो बयान भी याद होगा फिर तो, कि सबूत मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, सबूत मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, याद है सर वो बयान? किसने बोला? जांच के आईओ बोल रहे हैं साजिश है, किसने बोला? पंडित जी आवाज नहीं आ रही, भूल गए आप? भूल गए आप कि हमारे देश के राज्यमंत्री ने कहा था कि एक भी सबूत मिल जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा? पंडित जी अच्छा सर, हम जैसे पत्रकारों की आवाज पहुंचती नहीं है, दिक्कत यह है। अब एक बात जो मूलतः मेरा प्रश्न था विनोद सिंह, क्या इस पूरे मसले को लेकर क्या अब मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जल्दी से? नहीं, बिल्कुल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और लेना चाहिए। अब तो जो जाहिर हो चुका है कि इनकी कार्य संस्कृति क्या है और भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कि उनको अभयदान कहां से मिल रहा था, उनको ये निर्भीकता कहां से मिल रही थी, ये आत्मबल मिल रहा था, उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सरकार है, मनोज पंडित गुंडई वाली सरकार है, गोली वाली सरकार है जी, तिलक जी मनोज पंडित जी चलाने वाली सरकार है, इससे उम्मीद ना करिए। मनोज पंडित जी चलो आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे। हाँ क्या अजय मिश्रा अजय मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए? मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जो कह रहे थे कि ओ बे नहीं, ये कौन तय करेगा इस बात को कि इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए सर? तिलक जी आप तय करोगे, मैं तय करूंगा।
या देश की जनता तय करेगी, या देश की जनता तय करेगी कर सकते हैं ना, किसको देना है किसको नहीं देना उत्तर प्रदेश। ना 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 ना, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, मैंने शुरू में कहा ये किसी की बपोती नहीं है, ये लोकतंत्र है। आपके पुत्र पर आरोप लगा किसानों को गाड़ी से कुचलने का, और वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी ये आप तय करेंगे। मैंने ये कहा कि इस अहंकार का हिसाब जनता दे सकती है, हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, फिर पूछ रहा हूं, इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये पार्टी तय करेगी कि इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जनता तय करेगी कि वो आदमी दोबारा रिपीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा सिस्टम देश की जनता के हाथ में है, वही आपको भी चलाते हैं, वही मुझे भी चलाते हैं, वो सारा सिस्टम चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया, और जनता भी समझ गई कि आखिरकार इस पूरे विषय को लेकर आप लोगों की राय क्या है, सोच क्या है, नजरिया क्या है, पार्टी विद द डिफरेंस। थैंक यू सो मच विनोद जी, आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, जय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, और जनता खुद तय कर लेगी, जनता की सोच जनता का नजरिया। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।